नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल राजकुंद्रा के मामले में तफ्तीश चल रही है। अब पुलिस को हर दिन कोई ना कोई नया अपडेट मिल रहा है, नया खुलासा हो रहा है। हालिया खुलासा में ये बात पता चली है कि राजकुंद्रा ने हॉट शॉट्स ऐप पर वीडियोज की पायरेसी रोकने के लिए प्रॉपर एक लीगल टीम हायर की हुई थी, जो कॉपीराइट नियमों के मुताबिक उन पोर्नोग्राफिक वीडियोस को सुरक्षित रखने का काम करती थी। इसके अलावा पुलिस को यह भी पता चला है कि राज हॉट शॉट्स ऐप का सारा काम ऑनलाइन देखते थे। इसके लिए उन्होंने 3 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए थे। क्राइम ब्रांच के मुताबिक वो इन ग्रुप्स के एडमिन भी थे, एक तरह से वो हॉट शॉट्स ऐप के ऑपरेशनल हेड थे। वो लोगों को इन ग्रुप्स में बताते थे कि किसे क्या काम करना है। और क्राइम ब्रांच की टीम ने ये भी पता लगाया है कि राजकुंद्रा HS अकाउंट, HS ऑपरेशंस एंड HS टेक डाउन नाम के 3 व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थे। HS अकाउंट ग्रुप में वो हॉटशॉट ऐप के कंटेंट, सब्सक्राइबर, पैसे का लेन देन और पॉन बिजनेस से आ रहे आर्थिक फायदे की बात करते थे। HS ऑपरेशन ग्रुप में वो दूसरे लोगों से ये डिस्कशन करते थे कि ऐप के लिए किस तरीके से पॉन का वीडियो शूट होना है, कैसे और कहाँ शूट होना है, किन लोगों को कास्ट करना है और किसे कितने पैसे देने हैं। वो इन फिल्मों की एडिटिंग और फाइनल वीडियो भी इस ग्रुप में देखा करते थे। इसके बाद ये लोग यूके बेस्ड कंपनी वियान इंडस्ट्री को फाइनल वीडियोस के लिंक भेज देते थे ताकि उसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया जा सके। HS टेकडाउन ग्रुप जरूरी कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था और पॉर्न वीडियोज के कॉपीराइट और पायरेसी से जुड़ी सारी बातें इस ग्रुप में होती थी। अगर उनके हॉट शॉट्स ऐप के लिए बनाई गई पॉर्न मूवीज किसी और पॉर्न वेबसाइट पर पाई जाती थी तो उसी समय उन वीडियोस को ब्लॉक करने के लिए लीगल नोटिस भेजा जाता था। साथ ही आगे ऐसा करने के लिए उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेने की चेतावनी भी भेजी जाती थी। इस ग्रुप में कई बार ये चर्चा भी होती थी कि जिस वेबसाइट ने उनके वीडियोज उठाए हैं उसे हर्जाना कैसे लिया जाए। और 21 जुलाई को, यानी कि बीते दिन, मुंबई क्राइम ब्रांच ने कुंद्रा के अंधेरी वाले ऑफिस पर छापा मारा था। इस रेड में पुलिस को एक सर्वर मिला। पुलिस का ये शक है कि सर्वर यूके बेस्ड कंपनी कैंड्रिन लिमिटेड को पॉन वीडियोस भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि कुंद्रा का ये दावा है कि वो हॉट शॉट्स ऐप के मालिक नहीं है। उन्होंने ये ऐप अपने रिश्तेदार प्रदीप बख्शी को भेज दी थी। बावजूद इसके वो इस ऐप के हर काम से जुड़े हुए थे। 19 जुलाई की शाम को राजकुंद्रा को पोर्नोग्राफिक वीडियोज बनाने के मामले में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था और अगली सुबह उन्हें मुंबई के एस्प्लेनेट कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उन्हें 4 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था और 23 जुलाई को, यानी कि कल, वो पुलिस कस्टडी से बाहर आ सकते हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उनकी पुलिस कस्टडी आगे और बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों, फिलहाल इतना ही। फिर मिलती हूँ मैं आपसे किसी और कंटेंट के साथ। लेकिन मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये कंटेंट कैसा लगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।